जंगल से आए तेंदुए ने तीन किसान पर हमला कर घायल कर दिया। मौके पर पहुंचे रेंजर को भी तेंदुए ने घायल कर दिया। इस घटना के बाद से वन अमला और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। पलेरा के ग्राम टोरी में तेंदुए ने खेत पर काम कर रहे तीन किसानों पर जानलेवा हमला कर दिया। घायलों को लोगों की मदद से पलेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से उन्हें जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। जब इस सूचना पर वन विभाग के रेंजर वैभव सिंह चंदेल गांव के लोगों के साथ पहुंचे तो छिपकर बैठे तेंदुए ने रेंजर को भी घायल कर दिया। रेंजर ने बताया है कि उसको पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा टीम बुलाई जा रही है। गांव के आसपास क्षेत्रों में भी दहशत का माहौल है। खेतों के पास बने घरों में भी कुछ लोग हैं। अचानक तेंदुए का हमला होने से ग्रामीण दहशत में है। फिलहाल पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर तेंदुए को पकड़ने का प्रयास कर रही है। ये सुबह 12 बजे के दरमियान यहाँ विभाग को सूचना दी गई थी टोरी ग्राम से कि यहाँ एक शेर आया है। तो जैसे ही तत्काल सूचना मिली तो वन विभाग की टीम के हमारे रेंज ऑफिसर श्री वैभव सिंह चंदेल, बाकी समस्त पलेरा जतारा स्टाफ जैसे ही मौके पर आए तो उसका पहचानने की कोशिश की सर लोगों ने कि यह है क्या, तेंदुआ है कि लकड़बग्गा। थोड़ा यहाँ अपने क्षेत्र है, जंगली एरिया नहीं है, तो यहाँ तेंदुआ कम पाया जाता है, लकड़बग्गा ज़्यादा रहता है, जैसे लोकल भाषा में अदलाना बोलते हैं। तो जैसे ही वहाँ मौके पे हमारे रेंजर साहब ने जैसे ही देखा, उसने तत्काल सर के सिर पे और हाथ पे अटैक किया। तो थोड़ा उन्हें गहरा घाव हुआ और तत्काल वन परिषद अधिकारी जतारा को पलेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। और यहाँ गाँव के लोगों ने बताया कि दो तीन लोगों को और गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज उनका पलेरा स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।